नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं इसकी व्रत की कथा और मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष की अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर माना जाता है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नष्ट हो जाता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यह व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी पर व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी इस बार कब पड़ रही है? मोक्षदा एकादशी हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार 11वें दिन यानी कि चंद्र मार्गशीर्ष अग्रहायण के महीने में चांद शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मोक्षदा एकादशी नवंबर या दिसंबर के महीने में आती है। साल 2019 में यह 8 दिसंबर के दिन मनाई जा रही है, यानी कि कल के दिन यानी गुरुवार के दिन इसे मनाया जाएगा। मोक्षदा एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त है? मोक्षदा एकादशी की तिथि जो वह 8 दिसंबर 2019 है और जो तिथि प्रारंभ हो रही है वह 7 दिसंबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी की समाप्ति 8 नवंबर के दिन सुबह 8:29 पर हो जाएगी। पारण यानी व्रत खोलने का समय 9 दिसंबर के दिन होगा। 9 दिसंबर 2019 को सुबह 7:06 से सुबह 9:09 तक व्रत खोलने का समय यानी पारण का समय माना जाएगा। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष की अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर माना जाता है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। मान्यता के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि आप किस प्रकार से करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर पूजन सामग्री में तुलसी की मंजरी, धूप दीप, फल फूल, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत और पंचामृत जरूर रखें। इसके बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक भी रखें। सबसे पहले भगवान गणेश को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाएं। अक्षत साबुत होने चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती का प्रसाद बांटें। व्रत एकादशी के अलग दिन सूर्योदय के बाद यह खोलना चाहिए, यानी जो भी आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं वे अगले दिन पारण के समय खोलें। जैसा कि हमने आपको पारण का शुभ मुहूर्त बताया, उसी मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें। आइए अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा किस प्रकार से है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्य के पाप दूर कर उनका उद्धार करने वाले श्री हरि के नाम से रखा जाता है। एक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। चारों वेदों के ज्ञाता राजा वैखानस बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनकी प्रजा खुशहाल और संपन्न थी। एक दिन राजा ने सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक में यातना झेलते दिखाई दिए। सपना देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उन्होंने पत्नी को सब कुछ बता दिया। राजा ने यह भी कहा
इस दुख के कारण मेरा चित कहीं नहीं लग रहा। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐसो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा, महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ पर कई सिद्ध गुरु थे जो तपस्या में लीन थे। राजा पर्वत मुनि के पास और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुरा कर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे और रोने लगे। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और राजा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी, इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इसका हाल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उनका पालन करने और इसका फल अपने पिता को देने के लिए कहा। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता के सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को जाते उन्होंने अपने पुत्र का आशीर्वाद भी दिया। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो आज हमने जाना मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा, उसकी पूजन की विधि, उसका महत्व और इसका शुभ मुहूर्त और इसकी शुभ तिथि। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।